डांस दीवाने के जीतने के बाद मेरी पूरी की पूरी लाइफ ऐसे चेंज हुई कि जहाँ मुझे पहले 1000 रुपये मिलते थे, अब मुझे 10,000 मिलते हैं, 20,000 मिलते हैं, 30,000 मिलते हैं ऐसे। और जहाँ भी जाते हैं तो बाबा जी मिलती हैं, तो इतना मज़ा आता है कि लगता है कि हम कहाँ से पहले, कल तक कहाँ क्या था मैं और आज मैं क्या हूँ, जो लोग तारीफ़ करते हैं ऐसे लगता है हिंदुस्तान का मंत्री मैं खुद ही हूँ। जब मैं करीबन 12-15 साल का था तो मेरे आसपास में कहीं दशहरे पे या फिर किसी के शादियों में लोग डांस करते थे त्योहारों पे, उनको देख देख के मैं उनको देख के मुझे अच्छा लगता था डांस का। उसके बाद मैंने खुद डांस करना उनको देख देख के सीखना स्टार्ट किया, पर मुझे खुद को पता नहीं चला मैं कब डांसर बन गया बीच बीच में करते करते दो देख देख के। मेरे दोस्तों ने बताया कि तू डांसर अच्छा है, तू करता भी अच्छा है, बीबोइंग करता है, जिमनास्टिक करता है, क्यों नहीं तू रियलिटी शो में ट्राई कर। मुझे लगा पता नहीं शायद मजाक बना रहे हैं मेरे ये लोग। फिर भी मुझे एक दो बंदे और मेरे साथ वालों ने, मेरे घर वालों ने, जो मेरे दोस्त हैं सारे जो सर्कल है डांस का, उन्होंने मुझे बढ़ावा दिया, बोले आप ट्राई करो एक बार ऑडिशन दे के। जब मैंने ऑडिशन दिया, पहले जस्ट डांस दिया, वहाँ दो राउंड खेल के आया मैं, तो और मुझे हौसला मिला। वहाँ से आके मैंने और सीखने की कोशिश करी डांस को सर्कल में रह के। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि पैसे दे कर सीखना पड़ा, बस सालसा जो डांस है वो ज़रूर मैंने पैसे दे कर सीखा था। बाकी उसके अलावा जो सर्कल है मेरा, बहुत सारे गुरु हैं मेरे जिनसे मैंने सर्कल में रह कर सीखा डांस। उसके बाद जब डांस दीवानी उसमें ऑडिशन देने के लिए गया, इतनी दिमाग की मेमोरी बढ़ चुकी है डांस के मामले में कि किसी को देख के तुरंत कर लेना, ये मेरा बहुत अच्छे से बाहें का काम है मेरा। और मुझे खुद को भी नहीं पता कि डांस करते करते जो मेरा शौक है, जो मेरा फैशन है, वो कैसे रियलिटी शो में, टीवी पर पहुंच जाऊंगा, ये मुझे कभी भी मालूम नहीं था इस चीज़ के बारे में।